भागवत जी के इन सात दिनों में हम पर नारायण ने योग कृपा की। मैं कल भी कह रहा था कि आजकल वृंदावन यहां आए हुए हैं, वृंदावन ही सात दिन यहां बना रहा और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में तो मैं कहूं नित्य चारों धाम हैं ही, क्योंकि हम तो बड़भागी हैं, हमें युगल चरण मिले हैं। तो युगल चरण चार होते हैं, माता श्री के दो चरण और दो चरण महाराज श्री के। हमारे लिए ये चार चरण चार धाम ही है साक्षात। तो मैं विनती करूंगा आप सबसे, ये परमहंसों की संहिता, हमारी इतनी कक्षा नहीं कि हम इसे समझ पाए, पर फिर भी बुजुर्गों की कृपा, सदगुरु की बहुत कृपा, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इसका रस पिलाया था, इसलिए आपको पहले से मैं कहूं एक प्रतीक्षा थी कि हम उस रस को चखें। इसलिए आप अच्छे श्रोताओं की तरह सात दिन तक इस दिव्य रसपान को करते रहे। प्रबंध हो, ये ऐसा पान है, पान में नहीं पीना, ये ऐसा रसपान है, इस रसपान की मैं कहूं कि यही एक विशेषता है कि जितना पिएंगे इतनी और पिपासा बढ़ेगी, इतनी और प्यास बढ़ती जाएगी। आज इन्होंने विश्राम किया पर लग रहा है कि आज तो अभी बीजारोपण हुआ है, आज तो अंतःकरण की भूमि पर बीजारोपण हुआ है, मुश्किल से बीज रोपण कर पाए और आज विश्राम हो गए बड़ी जल्दी। बंधुओं, अभी तो बहुत सी कथाएं सुनने की इच्छा भीतर हमारे सबके ललायत है। अंताकरण बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो समय के अभाव से व्यास जी हमें ना कह पाए ना सुना पाए, इसलिए कथा बार बार सुने, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सात दिन तो इसलिए सिर्फ, एक तो चलो अनुष्ठान विधि है सात दिन की सुखदेव जी महाराज द्वारा, भगवान सुखदेव जी के द्वारा, पर मैं कहूं कि सात दिन में तुम्हें जसका लग जाए और फिर तुम बार 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 कथा को सुनो, ताकि जो प्रसंग इस बार छूट गए, बड़ी इच्छा हो रही थी सुभद्रा जी का विवाह सुनने का, दर्शन करने का, यहां सिर्फ सुन नहीं रख रहे हैं, यहां तो दर्शन कर रहे हैं। व्यास जी ने प्रथम दिन ही कहा कि हम सुनने से हर तीर्थ को, हर भगवान की लीला को महसूस कर रहे हैं साथ साथ, सुनने के साथ साथ, तो ये दर्शन है। इस दर्शन में जिसका दर्शन में उसको रीड करना, उसको पूरा गहराई से जानना, उसका अनुभव करना, उसको महसूस करना। मिलन सुदामा का हो और आंख तुम्हारी यहां भीग जाए, ये दर्शन नहीं है तो क्या है? मिला वहां सुदामा और तुम्हारे नेत्र यहां बैठे बैठे भीग जाए, इसका मतलब कि तुम दर्शन कर रहे हो, सामने देख रहे हो श्री कृष्ण को और सुदामा को मिलते। अपनी तो बड़ी इच्छा थी कि प्रवास क्षेत्र की लीला को और गाया जाए, पर समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं तो ठाकुर से ये विनती करूंगा कि अगली कथा जब हो यहां पे, तो वो कम से कम 9-10 दिन की हो, क्योंकि 7 दिन में तो पूर्ति नहीं हुई भैया, क्योंकि बहुत सी लीलाएं अभी जो अंदर से एक वो उमंग उठ रही है कि अभी अभी दिल मांगे मोर, एक ऐड आती थी पता नहीं किसकी थी वो, बस मुझे इतनी पंक्ति याद है कि दिल मांगे मोर। तो बंधु, ठाकुर की कथा सुनने की
मैं कहूं यही एक विधि है कि और मांगे भीतर से अंतःकरण, और कथा आए, और कथा हमें मिले, क्योंकि ये कथा नहीं, ये स्वयं श्री हरि नारायण श्री कृष्ण ही है, तो कानों रास्ते हमारे हृदय में बैठेंगे। तो मैं पूरी संगत की ओर से, अपने पूरे गांव की ओर से, मेरे इस पवित्र गांव सोहांजना में, अलोरा, किला, प्रामली, कोमनासा, टिकरी, सांदवा, बहुत इन सब ने सहयोग किया। और कल जब फुलकों की सेवा थी तो मुझे बाद में एक संदेश आया कि महाराज जी 25,000 फुलका जो है वो संगत की ओर से आया है, और 10,000 फुलका, कम से कम 10,000 फुलका जो है वो हमारे इस क्षेत्र में से आया है, स्वांगना, लोरा, किला, जितने भी गांव हैं, मैं कुछ गांव के नाम ले नहीं पा रहा हूं। तो कल 35-40 हजार फुलके थे जो सिर्फ फुलकों की सेवा चली। तो ये आपका सहयोग है, ये कोई अकेला नहीं कर सकता। आप सबकी ओर से भी बंधुओं, भागवत जी को, श्री व्यास जी महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और यही प्रार्थना कि भगवान हर साल हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके इस वांग्यमयी स्वरूप को कानों के रास्ते हृदय में बिठा सकें। हर साल ऐसी कृपा हम पर करते रहे। और बंधुओं, बहुत आनंद आया, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। मैं स्वामी जी से भी कहूंगा कि आप भी धन्यवाद के रूप में दो शब्द कह लें। इतने में मैं आरती सजा। श्री राम, जय राम, श्री शास्त्री महाराज और चंपा माता के श्री चरणों में कोटन बार वंदन करते हुए, जिनकी कृपा से हमें ये अमृत मिला है, जीवन का सबसे सबसे मूल्यवान, और वो अमृत व्यास जी ने हमें पिलाया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये शास्त्री महाराज की कृपा से ही उन्होंने ही कथा ये की है, अभी अभी महाराज जी कह रहे थे। और व्यास जी हमारे श्री शास्त्री अभिनंदन जी समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति और गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा उन्होंने प्रकट की है कि मैंने भी महाराज जी से कहा कि ये कथा हम मोक्ष धाम में ले जाएंगे। एक बार मोक्ष धाम, ताली तो मारनी है। हाँ, क्यों महाराज जी? तो व्यास पीर से जो ये कह देते हैं वो हो जाता, ये पता है। अब हो गया, बोलो मांग के। तो सभी मिल करके एक बार ये बधाई हम देंगे श्री गंगाधर जी को। बधाई हो, बधाई हो। गंगाधर जी ने वो काम किया है कि हमारे जीवन का जो पावन पवित्र कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें यहाँ पर ये 7 दिन के लिए जो गंगा भाई, और अब मैं आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि इसका प्रसाद हमें 11 दिन के लिए मिल जाए अगली बार के लिए। 9 दिन महाराज ने कहा, 11 दिन आने वाले समय में कथाएं तो बहुत छूट गई है, तो आने वाले समय में 11 दिन की ये कथा रहेगी और इसका रूप रंग और भी बदल के हमारे पास आएगा, हमें और भी लाभ मिलेगा। बोलो बाल कृष्ण लाल। बंधुओं, मुझे एक बार किसी एक कथाकार ने कहा कि गंगा जी, आप स्वयं कथा करते हो। मैंने कहा मैं भागवत जी नहीं कह पाता, मुझे नहीं आता। कहते ये क्या बात हुई? तो फिर आप पिछले साल की बात है, तो उसके कहने का मतलब मैं समझ रहा था। मैं सभी अपने बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम कम से कम नीचे मेरे साथ ही कम से कम 5-7 लोग वो बैठे कथा सुनने के लिए जो स्वयं कथा करते हैं। ये प्रसन्नता का विषय है। बंधुओं, जितने वक्ता हैं हमारे, मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगा, साल में एक बार, पूरा साल हम आप सब सुनाएं लोगों को बाहर जा जाकर, एक साल हम आप सब किसी अच्छे श्रेष्ठ वक्ता का चयन करके अपने अपने स्थान पर एक कथा शुरू करवाया करो। समाज में उसके द्वारा समाज में एक बड़ा शुभ संदेश जाएगा। क्या संदेश जाएगा? क्योंकि जिस वक्ता भी कहने की इच्छा नहीं हो रही,
कथाकार कहूं वो भी नहीं अच्छा। तो जिस आदमी ने मुझे ये शब्द कहा कि आप क्यों ऐसा करते हो, मैंने कहा श्रीमान शायद आप भागवत जी की महिमा को नहीं जानते। भागवत जी की महिमा बड़ी अद्भुत है बंधुओं। भागवत जी की महिमा, शास्त्री जी महाराज कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, उनका गला गुरु चीरना है, जो भागवत जी की महिमा कर दे। उन्होंने एक बार कहा स्वामी जी के बंधुओं, जो श्री सुखदेव जी जैसा हो, जिसकी दृष्टि से स्त्री पुरुष का भेदभाव मिट चुका हो, वो इस भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को स्पर्श करने की हिम्मत करे। ये महर्षि के शब्द है। तो ये हमारा दायित्व है, ताकि समाज, हिंदू समाज खास करके ये बातें करता है कि एक संत दूसरे संत के प्रति ऊपर से मिलेगा, अंदर से अनादर रखता है। ये फासले तब ही मिटेंगे जब सभी वक्ता किसी दूसरे अच्छे, अपने से श्रेष्ठ वक्ता का चयन करके साल में एक बार अपने स्थान पे वो जरूर कथा करें। इससे हमारा मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ेगा। और बंधुओं, व्यास मंच पर तो व्यास जी बैठे हैं, इसलिए वक्ता शब्द कहना भी मुझे बड़ा हल्का लग रहा है। व्यास मंच पे तो हम रोज पूजन करते हैं, किसका करते हैं पूजन? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का पूजन, श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। ये भावनाएं खाली कोई शब्दों में, शब्दों के जाल बनाकर नहीं, ये भावनाएं जब तक हमारे अंदर, हमारे भीतर नहीं होगी, तब तक समाज क्या क्या लेगा, क्या पकड़ सकेगा हम लोगों से। तो अंग्रेजी का महावरा चैरिटी बिगिंस एट होम। जो समाज को कुछ कहने वाले लोग हैं, पहले वो तो आपस में मैत्री भाव, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें। सूत जी को कैसे बड़े बड़े वयोवृद्ध महापुरुष झुक झुक करके प्रणाम करते करते कहते हैं, हमें कुछ सुनाओ, हमें कुछ सुनाओ, हमें कुछ सुनाओ। रामचरितमानस की भी यहां से ही रचना हो गई कि हमें सुनाओ कि क्या वही राम जो घट घट में बसने वाले हैं वही दशरथ पुत्र बन के आए? जानते तो वो भी हैं, बस एक बहाना कथा छेड़ने का और एक दूसरे का सम्मान करने का एक बहाना ढूंढ ले बस। बंधुओं, आइए अब हम सामूहिक भगवान की आरती करें। श्री भागवत जी जो हमारे बीच में विराजमान है, और भगवान व्यास जी के ही मैं कहूं के रूप हमारे बीच में बैठे हैं। आओ हम आरती करें। और बहुत बहुत बधाई माता श्री और महर्षि को, जिनकी कृपा से हमें ये भागवती प्रसाद मिला, भागवत रूपी प्रसाद मिला। ये भागवती वार्ता बंधुओं, ये पैसे से या पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से ही उतरती है, जब जब उतरती है। तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा करी माता श्री और महर्षि ने, जो हमें ऐसे पवित्र अमृत में गोते लगाने का मौका दिया। पीना नहीं कहूंगा इस बार, तो कहूंगा कि अमृत रूपी सिंधु में गोते लगाए, पूरे का पूरा उसमें हम बिल्कुल डूब गए, और जितना जी चाहा इतना मुंह खोल के बीच बीच में पीते गए। आंखें खुली तो आंखें खोल कर भी उसमें डूब करके देखा, फिर भी आगे पीछे अमृत 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 अमृत, पूरा वतन अमृत में रसावोर हो गया, आनंद ही आनंद। बंधु यही प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई भागवत जी का हमें फल मिले तो हमें, हे नारायण, आप जल्दी कथा रूप में वापिस हमारे पास विराजमान हो जाएं, यही फल हमें प्रदान करें। और इस बार जब आए तो कुछ ज्यादा दिन लेके भगवान भागवत जी के रूप में हमारे बीच आए। तो आइए आरती करें।